आगरा में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोविड से एकमात्र बचाव वैक्सीनेशन है, जहां पहली वैक्सीन की पहली डोज लोगों ने सरकार की अपील पर लगवा ली, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग घर से नहीं निकल रहे, जिस कारण 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज नहीं लग पा रही। आगरा CMO अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने आगरा जनपद में 35 लाख पहली वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से पहली डोज ही इस लक्ष्य को पूरा कर पाई है। दूसरी डोज लगवाने के लिए लोगों ने घर के बाहर कदम ही नहीं रखा। इसके ऊपर जिन लोगों को बूस्टर डोज लगनी है, उनकी लाइन लिस्ट और ड्यू लिस्ट दोनों हम लोग तैयार कर रहे हैं। लाइन लिस्ट के हिसाब से ये जिन लोग का ड्यू हो चुका है, 9 महीने हो गए हैं और उसके उनको लगवानी है, वो लाइन लिस्ट हम लोग सॉफ्टवेयर से भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दस्तक के दौरान आशा और आंगनवाड़ी जो जा रही हैं, उनके द्वारा भी जिनके बूस्टर लगने हैं ड्यू, उनको बताया जा रहा है, अवेयर कराया जा रहा है, किस दिन उनको लगेगा या किस PSC पे लगेगा ये भी उनको बताया जा रहा है। परंतु ये बात सही है आपकी कि इस समय हम लोग करीब 1 लाख से भी कम बूस्टर डोज 60+ पे लगे हैं, और संक्रामक जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है कोरोना का, उसको देखते हुए आवश्यक हो गया है कि जो भी इस समय इसके लिए जिनको भी बूस्टर डोज लगनी है वो स्वयं आगे आएँ और अपने उनके परिवार के लोग उनको प्रेरित करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी या सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी आयु वर्ग में देखी गई है, तो PSCs में जाकर अपना टीकाकरण पूर्ण कराएं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या अपने जनपद में सेकेंड डोज को लेकर हो रही है, क्योंकि इसमें सेकेंड डोज हम लोग फर्स्ट डोज तो 100% लगभग करा लिया है, लेकिन सेकेंड डोज में अभी भी काफ़ी लोगों ने अपने आप को टीकाकरण नहीं कराया है, और टीकाकरण ना कराने की वजह से वो बूस्टर के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा सभी 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के, जिन्हों 60 आयु वर्ग के लोगों से अनुरोध है कि जिनकी भी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है वो तत्काल लगा लें, क्योंकि एक बात जिस तरह का संक्रमण है यह तय है कि ये आयु वर्ग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो अगर आपके यहाँ आपने टीकाकरण करा रखा होगा तो ये निश्चित तौर पर ये संक्रमण आपके परिवार तक नहीं पहुँचेगा, आपके स्वजन भी इस संक्रमण से दूर रहेंगे और आप भी किसी भी कॉम्प्लिकेशन में आपको भी नहीं होगा। जैसा कि लोगों में डर रहता है कि हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, क्या पता इसी वजह से बूस्टर डोज लगाने ना आपकी पहली और सेकंड डोज लगी, अब किस बात का डर, क्योंकि लोगों को डर लगा रहता है वैक्सीन लगाने में, कोई मतलब कोई दिक्कत ना हो जाए। देखिए, वैक्सीन लगाने पर थोड़ा बहुत बुखार की जरूर शिकायत रहती है, वह एक रिएक्शन रहता है लेकिन वो एक तरह का प्रोटेक्टिव रिएक्शन है, और इस सिर्फ मात्र इस वजह से यदि आप टीकाकरण नहीं कराएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तय है कि अभी तक टीकाकरण के कारण किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, न नुकसान की सूचना मिली है, इसलिए बिल्कुल किसी भी बिना किसी संशय के ये टीकाकरण कराया जा सकता है।